डीवाई पाटिल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स पुणे और पूरे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक ब्रांड नेम है। डीवाई पाटिल ग्रुप से जुड़े कई कैंपस हैं और कई स्टूडेंट्स अक्सर इन कॉलेजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और एंट्रेंस के पीछे की टेक्निकलिटीज को नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हमने डीवाई पाटिल से जुड़े पुणे के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों और कैंपसेस को लिस्ट किया है। इन सभी कॉलेजों के बारे में जानने के लिए यह वीडियो एंड तक देखें। यह जानकारी महाराष्ट्र और पूरे भारत में सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफी जरूरी है। यह जानकारी शायद ही आपको किसी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल्ड तरीके से अवेलेबल मिले, सो डोंट मिस दिस। डीवाई पाटिल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स अकुर्डी। पीसीएमसी के सेंटर में फैले 10 एकड़ कैंपस में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड दो इंजीनियरिंग कॉलेज और एक सेपरेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शामिल है। कैंपस में जिम, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के साथ एक अलग लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल जैसी सुविधाएं हैं। काफी बार तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजेस यह फैसिलिटी शेयर करते हैं, हालांकि कॉलेजेस की अपनी अपनी बिल्डिंग्स भी हैं। आइए अकुर्डी कैंपस के इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DYPCOE। वर्ष 1984 में एस्टेब्लिश्ड डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीवाई पाटिल ग्रुप का लीडिंग कॉलेज है। कॉलेज 10 एकड़ में विशाल अकुर्डी कैंपस में स्थित है। कुल 68 फैकल्टीज और 3800 से अधिक स्टूडेंट के साथ कॉलेज AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC द्वारा ए ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। कॉलेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यूनिवर्सिटी के लीडिंग कॉलेज में से एक है। DYPCOE में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में बी की डिग्री प्रदान की जाती है। टोटल इनटेक ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 840 और यहाँ की पर एनम फीस 1.24 लाख है। प्लेसमेंट, डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट वास्तव में अच्छे हैं। सभी ब्रांचेस को समान रूप से प्लेसमेंट दिया जा रहा है और कई टॉप कंपनीज कॉलेज से स्टूडेंट को रिक्रूट कर रही हैं। औसत प्लेसमेंट पैकेज 5 लाख पर एनम है, जबकि 11 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज 2020 में रिकॉर्ड किया गया था। कई स्टूडेंट को इंफोसिस, TCS, केपजिमनी और वर्चुसा जैसी कंपनी में प्लेस किया गया है। डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, DYPIEMR। डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च की एस्टैब्लिशमेंट 2012 में अकुर्डी कैंपस में डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एक सिस्टर कंसर्न के रूप में की गई थी। तब से डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने एक लंबा सफर तय किया है और अपना खुद का एक नाम स्थापित किया है। डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च के टीचिंग की क्वालिटी और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बेस्ट कॉलेज के समान हैं। कॉलेज AICTE से एफिलिएटेड है और NAC द्वारा B++ ग्रेड से अवार्डेड है। डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरह ही यह कॉलेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रीम्स में BE कोर्स प्रदान करता है। प्लेसमेंट ड्राइव्स दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक साथ आयोजित की जाती है और इसलिए डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च का प्लेसमेंट डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बराबर ही है। कॉलेज ने CS ब्रांच के लिए 2021 में 10.57 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट और 3.30 LPA का मीडियन प्लेसमेंट पैकेज दर्ज किया। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 2018 में एस्टेब्लिश्ड डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी अकुर्डी कैंपस के अंदर स्थित है। यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी छात्रों को इमर्जिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स में
एक्सपोजर दिलाने के लिए काफी यूनिक है। ये यूनिवर्सिटी तेजी से बढ़ रहा है और AICTE से एफिलिएटेड है। इस विश्वविद्यालय के लिए बीटेक कोर्स के लिए कुल पर एनम ट्यूशन फीस 2 लाख है। अभी तक इस यूनिवर्सिटी की पहली बैच पास आउट नहीं हुई है, इसलिए इसके प्लेसमेंट स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी पुणे, डॉक्टर DY पाटिल यूनिटेक सोसाइटी। DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी पुणे कैंपस पिंपरी 1998 में एज अ वुमेन्स कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था। बाद में 2002 में इसे कोएड में कन्वर्ट कर दिया गया। इंस्टीट्यूट AICTE और DTE महाराष्ट्र द्वारा अप्रूव्ड है। इंस्टीट्यूट को ISO 9001:2008 सर्टिफिकेशन और NAC द्वारा ए ग्रेड एक्रेडिशन प्राप्त है। DYPIT सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और 9 स्ट्रीम्स में BE कोर्स प्रोवाइड कराती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। इट्स टोटल इनटेक इज 1110, पर एनम ट्यूशन फीस 97,500 रुपीज है। इंस्टीट्यूट NIRF द्वारा भी रैंक्ड है। 2021 में इंस्टीट्यूट को ऑल इंडिया रैंक 172 रैंक मिली है। द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज फॉर द इंस्टीट्यूट इज 5 लाख पर एनम। 2021-22 के बीच में 1000 से अधिक स्टूडेंट्स को इंफोसिस, केपजिमनी, फिसर्व और TCS जैसे कंपनीज में प्लेस किया गया था। 2021-22 बैच में हाईएस्ट प्लेसमेंट 41 लाख पर एनम का रहा था, जबकि एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 4 लाख पर एनम का था। DY पाटिल तालेगांव MB कैंपस। DY पाटिल तालेगांव MB परिसर में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल थे, जो सभी एक ही सिंगल इंस्टीट्यूट DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मर्ज हो गए हैं। इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई थी और यह कैंपस DY पाटिल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इंस्टीट्यूट को AICTE और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस कॉलेज में CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में BTech की डिग्री प्रदान की जाती है, जिसका पर एनम फीस 1.35 लाख है। इंस्टीट्यूट में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, जिसका टोटल इनटेक 800 है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टूडेंट्स को टेक महिंद्रा, बायजूस, जस्ट डायल, सिंटेल और KPIT जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट दिलाया है। इंस्टीट्यूट का एक डेडिकेटेड परीक्षण और प्लेसमेंट सेल भी है। इस इंस्टीट्यूट के लिए मीडियन पैकेज 3.5 LPA है, जबकि CS ब्रांच में जाने वाला हाईएस्ट पैकेज 10 लाख पर एनम था। अजिंक्य DY यूनिवर्सिटी लोहेगांव कैंपस, DY पाटिल टेक्निकल कैंपस। DY पाटिल टेक्निकल कैंपस पुणे शहर और महाराष्ट्र राज्य में प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से एक है, जो 100 एकड़ में फैला हुआ है। DY पाटिल टेक्निकल कैंपस की स्थापना 2010 में अजिंक्य DY पाटिल ग्रुप के चेयरमैन द्वारा की गई थी। इस टेक्निकल कैंपस के अंदर 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें से 2 कॉलेजेस AICTE द्वारा अप्रूव्ड और पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। एक सेपरेट यूनिवर्सिटी को भी कैंपस के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। आइए जानते हैं लोहेगांव के कैंपस के कॉलेजेस के बारे में। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग SOE 2010 में स्थापित। डॉक्टर DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग DYPSOE महाराष्ट्र में एक मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग स्कूलों में से एक है। 100 एकड़ के कैंपस में स्थित SOE मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक फैसिलिटीज देता है। DYP स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इन कोर्सेज में BE की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। इट्स टोटल इनटेक इज 420। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन रोबोटिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाउन प्लानिंग। DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का छात्रों को अच्छी तरह से रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट कराने का एक ठीक ठाक रिकॉर्ड है। DYPSOE प्लेसमेंट 2020 में TCS, टेक महिंद्रा, इलेक्ट्रोमैक और यूबीसॉफ्ट जैसे बिग रिक्रूटर्स के साथ प्लेस किया है। BE कोर्स के लिए पर एनम फीस 95,000 निर्धारित है। स्कूल को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन
AICTE और महाराष्ट्र गवर्नमेंट DTE द्वारा अप्रूव किया गया है और इसकी NAC रेटिंग B+ है। साथ ही यह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। डॉक्टर DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज DYPSOET 2011 में एस्टेब्लिश्ड। डॉक्टर DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DYPSOET भी DY पाटिल टेक्निकल कैंपस का हिस्सा है। DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में BE कोर्सेज प्रदान करता है। इट्स टोटल इनटेक इज 420। कॉलेज AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इस कॉलेज की NAC रेटिंग B++ है। BE प्रोग्राम के लिए टोटल ट्यूशन फीस 76,000 पर एनम है। DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्लेसमेंट DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ आयोजित किया जाता है और इसके प्लेसमेंट आंकड़े अच्छे होते हैं। कॉलेज का अपना डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी है जो बॉश, कैपजिमनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS और जॉन डियर जैसी कंपनियों में छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान करता है। उन कंपनीज में दिया जाने वाला एवरेज पैकेज 4.5 लाख पर एनम है एंड हाईएस्ट पैकेज 21 लाख पर एनम है। 2020-21 में 200 से ज्यादा कंपनीज ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए विजिट किया था। अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी ADYPU। अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी लोहेगांव कैंपस के अंदर एस्टेब्लिश्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यह अजिंक्य DY पाटिल समूह के अंतर्गत आता है। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल तौर पर UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्ट के तहत 2015 में स्थापित ADYPU की स्थापना डॉक्टर अजिंक्य पाटिल ने किया है। BTech प्रोग्रामों में यूनिवर्सिटी के पास काफी कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटी ब्रांचेस एंड स्ट्रीम्स में BTech की डिग्री प्रोवाइड कराता है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ट्यूशन फीस के मामले में देखा जाए तो ADYPU थोड़ा महंगा है। BTech प्रोग्राम के लिए कुल पर एनम फीस ₹2 लाख है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो ADYPU ने 2020 में हाईएस्ट पैकेज 8 लाख ऑफर की थी और मिनिमम पैकेज ऑफर 3 लाख थी। वर्डप्रेस, कॉग्निजेंट, TCS एक्सेट्रा आर द टॉप रिक्रूटर्स। वर्डिक्ट: DY पाटिल के पुणे में इतने कैंपसेस होने के बाद एक स्टूडेंट को यह जानना बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन सा कैंपस और कॉलेज सबसे बेहतरीन है। प्रो काउंसिल ने गवर्नमेंट रैंकिंग्स और ओवरऑल एजुकेशन एंड प्लेसमेंट के पैरामीटर्स पे DY पाटिल के पुणे कैंपसेस को रेट किया है। कॉलेजेस की ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हम एक बार फिर आएंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।